तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। संवाददाता डब्लू गोस्वामी की रिपोर्ट के अनुसार स्वाधीनता दिवस के मद्देनजर देखते हुए हर घर तिरंगा को लेकर सांसद दिया कुमारी एवं प्रदेश महामंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि घर घर तिरंगा कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं, यह राष्ट्र का कार्य है। इसमें हर आदमी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस प्रोग्राम में बीजेपी इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हर तरीके से आम आदमी को अपने साथ जोड़ना चाहती है, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना जरूर अपना सके और अपने घर तिरंगे को लगाकर इस देश के गौरवशाली इतिहास के 75 साल पूरे होने पर गौरवान्वित महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा हर क्षेत्र से होकर निकलेगी, जिसमें जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। क्या हुआ घर लगा दिया तिरंगा यात्रा जो फहराई जा रही है, मैं क्या कहना चाहूँगा? दिख नहीं रहा, ये टेढ़ा हो रहा है। दिख रहा। हम लोग इसको बहुत जोरों शोरों से मनाएंगे और ये किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं, राष्ट्र का प्रोग्राम चालू कर रखा है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर एक व्यक्ति इस अभियान से जुड़ेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, अपने घर में पहली बार अवसर मिला है हमको आजादी का। 75 साल हुए हैं देश को आजाद हुए और ये हम सबको एक मौका मिला है, इस मौके को पूर्ण रूप से सफल बनाएं और हर घर में तिरंगा जलाएं। तो सर ये कब तक चलेगा, आज ही चलेगा, इस पे कितनी की तादाद में संख्या आ रही है? इसके चरणबद्ध कार्यक्रम है। युवा मोर्चा 13 तारीख तक 33 मंडलों में आजादी के अमृत काल के अंदर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो हिंदुस्तान वार्डो में घर पर तिरंगा फहराने का अभियान है, सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे, 75 हिस्सा ले रहा है, ऐतिहासिक मंदिरों को सफाई करने का स्वच्छता अभियान, स्वच्छता तिरंगे के साथ त्यौहार है और वृक्षारोपण तिरंगे के साथ तिरंगे लहराते हुए जनता पार्टी ले रही है। अमर जवान ज्योति पर नगर निगम की 12 तारीख को हमारी मातृशक्ति 75 क्रांतिकारी लॉर्ज के साथ यहाँ से लगेंगे रैली निकालेगी और वहाँ पे उन शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। इसी प्रकार 13 तारीख को हम एक लॉन्चिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे सैनिक, हमारे खिलाड़ी, हमारे कमजोर वर्ग के लोग, उन सबको बुलाएंगे और उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनको भी तिरंगा में हम अपने कार्यक्रम तय करती है, अपने अपने कार्यक्रम बनाने का काम करती है। और कांग्रेस पार्टी एक अलग से एक संगठन, एक ऐसा संगठन है जो संगठन कैसा काम करता है उसके बारे में मुझे ज्यादा बयान नहीं कर सकता है, लेकिन आजादी के आंदोलन के अंदर हर व्यक्ति ने अपना कुछ न कुछ दिया है, जिसके जितना सामर्थ्य था उतना दिया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आजादी के आंदोलन को भी वो अपना खुद का श्रेय मान के चलती है कि सिर्फ आजादी हमने ही दिलाई है, ये असत्य है। आजादी के आंदोलन के अंदर तो ऐसे बहुत से मनुष्य है, बहुत से लोग हैं जिनकी शहादत लगी है और जिनका जिक्र कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इसलिए कांग्रेस अगर ये माने कि आजादी सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से, ये कभी सत्य नहीं है।